Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी के सांसद और जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी शनिवार को MPMLA कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कृष्णानंद राय हत्याकांड के वादी नामनारायण राय ने गवाही दी। फिलहाल कोर्ट में मामले 10 फरवरी को अगली तारीख जो है वो तय की गई है। गाजीपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है, वही इस मामले में प्रतिवादी अफजाल अंसारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य और रामचरितमानस विवाद को लेकर कहा कि गाजीपुर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जो देश और प्रदेश में छाया हुआ है, क्योंकि 20 प्रांतों में गाजीपुर सबसे अलग है। तभी तो अपनी दूसरी पारी शुरू करने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर आए हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन यहां पर महामहिम लोग भ्रमण करते रहे हैं। देश और प्रदेश में इस वक्त अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो उसमें पार्लियामेंट की कार्रवाई बाधित है, और वो मामला है अडानी का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो छपा है और अब वो सच साबित हो रहा है। अडानी को 60% नुकसान। अफजल अंसारी ने कहा कि अब अडानी के सभी कंपनियों के शेयर में गिरावट हो रही है और लगभग 60% का नुकसान हुआ है। लोगों का मानना है कि अभी तक 8 करोड़ का घाटा हो चुका है। उन्हें उबारने के चक्कर में भारत के बहुत सारे बैंक भी डूब जाएंगे। LIC जैसी मजबूत संस्था भी इसकी चपेट में आ चुकी है। योगी जी खुद पढ़ ले वो श्लोक। अफजल अंसारी ने कहा कि हो सकता है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान व अन्य देशों ने 1000-2000 कॉर्पोरेट घरानों का भट्टा बैठा होगा, तब देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा होगा, और हमारे देश में सिर्फ अडानी का भट्टा बैठ जाने से उससे कहीं ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं अखिलेश यादव के शुद्र वाले बयान पर अफजल अंसारी ने कहा कि वह जो श्लोक है उसे योगी जी खुद पढ़ ले, पता नहीं वह क्या है। इस देश में कमेरा वर्ग है, आए दिन कमाता है और खाता है उसे गंवार कहा जाता है। तो इस तरीके से पेशी के दौरान अफजल अंसारी ने तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन जिस तरीके से अडानी के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की वो चीजें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।